यहाँ 2 अपॉन 5 एक्स होल क्यूब प्लस 3 होल क्यूब प्लस 3 ए की वैल्यू 2 अपॉन 5 एक्स, बी की वैल्यू आपके पास 3 है। देखिए ए का होल क्यूब प्लस बी की वैल्यू 3 होल क्यूब प्लस 3 वैल्यू ऑफ द ए वैल्यू ऑफ द बी अकॉर्डिंग टू आर आइडेंटिटी 2 अपॉन 5 एक्स प्लस 3। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से इसको सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम पर क्यूब है। यदि यह स्क्वायर होता तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यहां आ सकते हो 2x / 3 2x / 3 2x / 3 इट मींस 2 2 = 4 4 2 = 8 x into x into x x cube और यहाँ पर हमारे पास 5 है क्योंकि 3 है 5 5 5 5 5 5 तो 25 बन 25 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब आगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देखिए बेटे, यहां पर जो है इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, पहले आप इस तीनों का मल्टीप्लाई करो 3 2 = 6 6 3 = 18 और 5 5 = 25 नहीं 5 ओनली वन टाइम्स 5 ओनली वन टाइम्स से बेटा 3 2 = 6 18 5 अब इसको 2 अपॉन 5x अब लास्ट स्टेज है इसकी, ये एज इट इज आ जाएगा 18x स्क्वायर और 8x स्क्वायर x क्यूब 125 8x क्यूब अपॉन 125 प्लस 27 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट की जो डिजिट है जो हमारे पास 18x अपॉन 5 है, इस 18x अपॉन 5 का ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, 18x अपॉन 5 का 2x अपॉन 5x होगा तो ये आ जाएगा 36x स्क्वायर अपॉन 25 और 36x 54 18 का 3 से मल्टीप्लाई करो 18 बन जाए 18 2 जाए 18 3 जाए 54x तो इस टाइप से इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। आप ऐसे अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो साइलेंटली से, मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा। अब इसी आइडेंटिटी को यदि हम बच्चों माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस करते हैं, यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस की आइडेंटिटी यहाँ पर सभी जगह माइनस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3ab और माइनस ए क्यूब और ये आइडेंटिटी आपकी और ये माइनस का साइन चेंज कर दो, बस माइनस का साइन चेंज होगा, सॉल्यूशन की जो मेथड है वो यही रहेगी और ये प्लस आ जाएगा, बाकी सब जगह माइनस है, सभी प्लेस पर माइनस आ जाएगा, ये आपके माइनस वाली आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करें आगे आइडेंटिटी और भी मैंने कल आपको दिखाई थी उन आइडेंटिटीज को यूज में लेते हुए, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है ये आपने एक सेवन को भी पढ़ा होगा, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है हमारे पास में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए बी, इस टाइप से आप जो क्वेश्चंस हैं इस आइडेंटिटी से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास x प्लस 5 है और x प्लस 2 है, ये हमारे क्वेश्चंस दिया है एग्जांपल के रूप में,
आइडेंटिटी में एग्जांपल्स लिया है तो x की जो वैल्यू है वो x ही है, यहां तो डिजिट होगी वो यहां डिजिट होगी, अब यहां x है तो x का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू, बच्चों देखिए आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग 5 होगी, मैंने एरो लगाया है, b की वैल्यू भी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग 2 होगी, तो यहां a की वैल्यू हम आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग 5 ले रहे हैं प्लस साइन प्लस का है, b की वैल्यूज 2 ले रहे हैं x, अब यहां a और b के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मींस माइनस को मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहां हमारे पास a की वैल्यू 5 है और मल्टीप्लाई 2 x स्क्वायर, x का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर ही आएगा, 5 और 2 को प्लस कर दो, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस करना है, तो 7x आ जाएगा और 5 2 10, तो इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल लिया है, आप अदर एग्जांपल्स में और एग्जांपल्स लेते हैं जैसे कि 3x प्लस 6, 3x प्लस 5 यहां पर हम आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग और 3x प्लस कोई भी डिजिट ले लो 2 ले लिया, एग्जांपल है तो हमने एग्जांपल लिया है x प्लस है x प्लस की, तो इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू मैंने एरर लगाया है कि वैल्यू आपको 5 मिल गई, b की वैल्यू जो आपको 2 लेनी है, बस यहां x की वैल्यू इस एग्जांपल में मैंने चेंज की है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कोई यहां से कट दीजिए, a की जो वैल्यू जब यहां से उठाइए b की वैल्यू यहां से पुट कीजिए तो 5 + 2, अब हल्का सा चेंज हुआ इसमें क्योंकि यहां पर हमारे x की वैल्यूज है 3x, हल्का सा चेंज किया है तो यहां 3x आ गया, नेक्स्ट आगे 5 * 2, 3x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 9x² यहां पर 5 + 2 = 7, इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 + 2 = 7, 7 × 3 = 21x प्लस 10, ये 10 कहां से आया बच्चों, 10 कहां से आया, मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना कि आप इस प्लस मत कर देना, मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया, तो अदर क्वेश्चंस भी आप इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हो, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम ले रहे हैं, नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज है a² - b² अदर क्वेश्चंस में देखिए आपने आइडेंटिटी 8th 9th 8th में है आपने स्टडी की होगी, 7th में भी स्टडी की होगी, a² - b² = a + b एंड a - b, अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल लेते हैं x^4 - 16, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, तो x^4 है यहां पर और हमारी आइडेंटिटी है a², तो इसके जो फैक्टराइजेशन करोगे आप तो x² का होल स्क्वायर क्योंकि यहां पर हमारे पास 4 है, यदि यहां हमारे पास 2 ही होता तो ओनली x² आता क्योंकि फैक्टर करोगे 4 के तो 2 * 2 = 4, अब यहां हमारे पास 16 है तो बच्चों 16 के हमें आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर चलना चाहिए 4 लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए क्योंकि 4 * 4 = 16 होता है, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज आप 4 लोगे, आप यहां अदर नंबर ले लिया मतलब 3 ले लिया तो 3 का नहीं है, आपने 5 ले लिया तो गलत है, आपने यहां और कुछ डिजिट तो यहां 2 बार मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए, जो डिजिट आपने इस ब्रैकेट के अंदर ली है जैसे मैंने 4 लिया है, 4 क्यों लिया, अदर डिजिट क्यों नहीं ली, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा, 4 4 हो जाएगा, अब इसको एक बार प्लस कर एक बार माइनस कर, एक्स इसको क्योंकि आइडेंटिटीज क्या थी हमारी a + b a - b, एक बार प्लस एक बार माइनस, x² + 4 एंड x² - 2, जब तक इसके फैक्टर होते हैं बच्चों फैक्टर करते रहे, अब जैसे कि आप
एक्स स्क्वायर प्लस फोर एलिटी आ जाएगा। अब इस एक्स इसके भी आप फैक्टर कर दो क्योंकि आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो गया एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर के फैक्टर को तो टू का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। लास्ट स्टेज ऑफ इस क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस ये आपका आंसर आ गया। इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे फिर कल आपको नेक्स्ट आपको बताया जाएगा।